चुके हैं। जिन लोगों को जाना है सरकार ने कालीन बिछा रखी है, उनने संपर्क हमारे से भी करा है। उनने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, कि किसान एमएसपी मांग रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी, फसल और नस्ल बचाने की होगी, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम पॉलिटिकल नहीं है, हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे आखिरी दम तक। प्रोडक्शन की कहां जरूरत है, आप रिन्यूअल कर रहे हैं सरकार को। सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें, पत्रकार बंधु, देखो आज की जो ये मीटिंग है, ये जिम्मेदार लोगों को बुलवाया गया था। ये बीड़ी थोड़ी सी देर बंद कर दो, क्योंकि धुआं होगा। बीड़ी तो बंद कर ही दो, बंद कर दो बीड़ी तो बंद कर, थोड़ी देर फिर पी लियो। अत्याचार हो रहा है किसान पे, और हमने बहुत पहले कहा, जब आंदोलन चला हरिद्वार से, जो मार्च चला था हरिद्वार से दिल्ली का, उस टाइम पे भी कहा, जो 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला उस पे भी कहा कि देश में रोटी पे कब्जा होगा, रोटियां बाजार की वस्तु बनेगी, भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय होंगी देश में, क्योंकि जो व्यापारी है उसने तय कर लिया कि महिला सोना पहनती है तो 1 साल में 17 बार पहनती है वे ब्याह शादियों में, 30 त्योहार पे, और रोटी आदमी खाता है तो 1 साल में 700 बार वो खाना खाता है, तो उनका व्यापार रोटी और अनाज पे है। ये समझ लेना सारी चीज, देश के जमीनों की कीमतें महंगी होगी और देश में अनाज की कीमत कम होगी। हम अमीर बनेंगे जमीन बेच के, और देश का किसान गरीब बनेगा फसल बेच कर, ये याद रख लेना। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती, ये अटल बिहारी की सरकार होती, ये अडवाणी की सरकार होती, तो वो सरकार हमारी बात मानती। वे गांव से चुन के गए थे, ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है देश में, उस गैंग का कब्जा हो गया है देश में, और उस देश पे जो गैंग है उसने इस पॉलिटिकल पार्टी पे भी कब्जा किया है, बीजेपी पे। उसकी सत्ता ही इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये दिखाने के लिए जो भी मंत्री संतरी विधायक, ये दिखाने के इनके हाथ में कुछ नहीं है। जिनसे आपकी लड़ाई है वो आपको दिखाई नहीं देगा, ये पुलिस फोर्स के लोग आपके सामने आएंगे, ये उन्हीं के इशारे पे काम करेंगे। ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये इसको रोकने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे, एसकेएम को तोड़ने का, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, जब दिल्ली गाजीपुर से गए तो अकेला मोर्चा गया था जीत के, पंजाब में 3 मोर्चे बढ़ाए उसके, एक ही आंदोलन है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये भी एक मोर्चा है। ये स्कैम की कॉल नहीं थी, ये किसानों ने कॉल दी, वहां पे झगड़े हुए और हमको उनके साथ में जाना पड़ा। आज भी एसकेएम की उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी कॉल अलग है, लेकिन हम उन किसानों के साथ में अगर अत्याचार होगा
आज उनके साथ तुम्हारा, कल हमारे साथ ना होगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। मुद्दे सबके एक है, उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत करे, जो भी उनका फैसला होगा वो बातचीत करे। लेकिन सरकार डराने का काम करेगी तो ये किसान डरेगा नहीं। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस पंचायत की तरफ आज देख रहा है। पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि 21 तारीख को, 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर ना कोई काम होगा, ट्रैक्टर से मार्च होकर वहां पर प्रदर्शन करेंगे एक दिन का, ट्रैक्टर से जाएंगे। उसके बाद में हमारा है 26-27 तारीख का, दो दिन का, ये एसकेएम को हम देंगे कि हमारे ट्रैक्टर हाईवे पर होंगे, जो दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है, हमारे ट्रैक्टर हरिद्वार से लगा के और गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां तक भी गाजियाबाद का बॉर्डर लगेगा वहां तक खड़े होंगे। हर जिले के तहसील ब्लॉक के लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर खड़े होंगे, एक तरफ का हाईवे चलता रहेगा, आने वाले लोग उनको देखते रहे। हम दिल्ली जाएंगे नहीं, लेकिन हाईवे पे अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे। सरकार के पास में भी टाइम है, उनसे समझौता कर लो, उस कमेटी से। आप पाटतोड़ करने की बात करते हैं, ये किसान शहीद होने की बात करेगा। जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। देश की जब आजादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला। अगर आप डरे तो ये सीधा जो आज पंजाब बॉर्डर पर हुआ है, कल इस गांव के बॉर्डर पे होगा। आपने भी देखा है 2008 में जब सरकार हमला करती है तो सीधी गांव पे भी हमला करती है। जिंदा रहना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा का कहता है कि ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये तुम्हारी छाती पे ट्रैक्टर ही चलेगा। अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखना। हम 21 तारीख में भी दिखाएंगे और 26 और 27 तारीख की रात में भी दिखाएंगे। ट्रैक्टर हाईवे पर रहेगा। हम एसकेएम को, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, हम उसको बताएंगे कि यहां की पंचायत में ये निर्णय हुआ, अगर वे सहमति देंगे पूरे देश में ट्रैक्टर आंदोलन की, दो दिन की, दिल्ली की तरफ को हाईवे पे खड़े करने की, तो 21 तारीख तक भी हमको बता दे, हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे दो दिन की। अभी यहां पे इस पंचायत का फैसला है कि हम 21 तारीख को ट्रैक्टर के साथ में, गाड़ियों के साथ में बड़े प्रोग्राम एक दिन के कलेक्ट्रेट पे करेंगे, हरियाणा के समर्थन में करेंगे, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके समर्थन में करेंगे। क्योंकि अभी एक प्रचार चला जा रहा मीडिया के माध्यम से कि किसान एमएसपी मांग रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, एक रूमर फैलाई जा रही है, आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, आपको बहुत मुकाबला इन लोगों से करना पड़ेगा। यहां पे भी बहुत से लोग टूट टूट के सरकारों के साथ में जाके मिलेंगे। आंदोलन में आप हमारे साथ रहो, पॉलिटिकल पार्टी में आपको कहां जाना उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जिसको यह है कि हम आंदोलन में भी नहीं रहेंगे और हम सरकारों के साथ में जाएंगे, अगर सरकार की बातों से सहमत हो तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट अपना खड़ा करो, सरकार की बात मानो, इन किसानों को धोखा देने का काम ना करो। एक आदमी नहीं है कि अपना ट्रैक्टर छुड़वा दे। ये लड़ाई पूंजीपतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। 10 साल में गाड़ी का कुछ बिगड़ता है, 10 साल में ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता है। अगर ये पूंजीपति हावी होंगे, इनका मकसद है कि 2047 तक देश के किसान की 70% जमीन हम अपने कब्जे में ले लेंगे। जो एक क्लोज था, पहले जमीन ने लोग बेचते थे, जिनके पास में जमीन थी, जमींदार था, वो बेचता था। 2013 के बाद में वो क्लोज इस सरकार ने हटाया। आज व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति जमीन में पूरा पैसा लगा रहे, जमीन खरीद रहे। आप सोच रहे कि जमीनें महंगी होगी? महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। जमीन जितनी महंगी होगी व्यापारी के पास में जाएगी, किसान कर्जे में जाएगा, जमीन बेचेगा। हम जमीन बेच के गुजारा नहीं, हमको फसल बेच के गुजारा करना है,
जमीन नहीं बेचनी। ये लड़ाई आने वाले टाइम पे फसल और नस्ल बचाने की होगी। ये बहुत से सवाल आपके बीच में करेंगे, कहेंगे कि भारत सरकार तो 6000 रुपए दे रही है, क्या वो अमेरिकन डॉलर दे रही? बिहार में धान 800 से 1200 1300 रुपए खरीदा जाता हो, कश्मीर के सेब का क्या हाल है, छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन का क्या हुआ? इनको किसी से कोई लगाव नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे आंदोलन चल रहे थे, पहले वाली सरकार के खिलाफ भी चले और इस वाली सरकार के खिलाफ भी चले। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया, जो आदिवासी जंगलों से प्यार करता है, जो आदिवासी हरि देव की पूजा करता है, जो जंगलों की पूजा करता हो, हसदेव के जंगल एक दिन में 50,000 के आसपास पेड़ काटे, हमारे 5,000 लोग बंद करे घरों में, जंगल काटे उनके, तो इनको ना जंगल से लगाव है ना इनको देश से लगाव है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच गई 28, 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना, ये सरकार, हमें कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है, हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे आखिरी दम तक, हम किसान के साथ में खड़े रहेंगे। तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। तुम सरकार बनाओ, किसकी बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है? आप रिन्यूअल कर रहे इसी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेलों में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पे कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। उन्हें 3 साल से कोई सरकार ने बातचीत नहीं करी, आज भी हमारी कमेटी है, हम अकेले ना सरकार से बातचीत करेंगे, हमारी कमेटी हमारे 40 लीडर संयुक्त मोर्चा के हैं। सरकार को बात करनी है तो उनसे सरकार बातचीत करे। हम किसानों के साथ में रहेंगे, मरते दम तक किसानों के साथ में रहेंगे। अपनी जमीन और जमीन बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद, आपने बात सुनी। 21 तारीख की तैयारी करना, 1 साल की फसल आंदोलन में लगानी पड़ेगी, किसान हड़ताल करनी पड़ेगी, आंदोलन में लगानी पड़ेगी। 1 साल ये मान लेना कि हमारी फसल नहीं हुई, उस फसल को आंदोलन में लगाओ, अपने ट्रैक्टर में डीजल डाल लो, नशे पत्ती से दूर रहो। और जो लोग नशा करते हो आंदोलन में जाकर, बड़ा मेहरबानी करके ऐसा मत करो, मीडिया सोशल मीडिया ये सब आपके खिलाफ लिखेंगे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की दिखाने की, आपके खिलाफ निगेटिव दिखाएंगे। और जो चैनल आपके खिलाफ निगेटिव दिखावे उसका कनेक्शन काटो, टीवी देखना बंद करो, ये जो डिबेट चल रही है इनको देखना बंद करो। जिंदा रहना है तो खेत में काम करो और आंदोलन पर ध्यान करो। आप जब भी जिंदा रहोगे, ये संघर्ष अभी 8 साल और चलेगा।
अभी यह संघर्ष 8 साल चलेगा। आंदोलनकारी बीच के बचेंगे, बीच के खत्म होगा पूरा सिस्टम। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना, 32 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अभी ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे। बीच बीच के बचेंगे, कहीं कहीं बचेंगे, सब सिमट जाएगा। जिन लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनियों के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इस देश को मजदूर बनाना चाहते हैं ये सरकार, यहां पे इस देश में लेबर तैयार करना चाहते हैं, और बड़ी मार्केट बनेगी यहां पे, बड़े व्यापार करेंगे और सस्ता मजदूर, जैसे बिहार में हुआ। बिहार की पूरी मंडियां बंद कर दी, कोई बिहार में मंडी नहीं है। व्यापारी सस्ते में माल खरीदता है और महंगे में बेचता है, यही हाल यहां पर होना है। तो आप अपना तैयार रहो, पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपको जाना है वहां चले जाना, आंदोलन में हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।